ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के मानपुल पंचायत के कलूर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया तथा लोगों की समस्याओं को सुना। इस अवसर पर उन्होंने गांव की महिलाओं की मांग पर महिला मंडल को सामान खरीदने के लिए विधायक निधि से धन तथा महिला मंडल भवन के निर्माण में सहयोग देने का आश्वासन दिया। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष एवं नादौन के विधायक ठाकुर सुखविंदर सिंह सुखू ने नादौन विधानसभा क्षेत्र के मानपुल पंचायत के कुल्लर गांव में एक जनसभा को संबोधित किया तथा लोगों की जन समस्याएं सुनी। इस अवसर पर उन्होंने गांव की महिलाओं की मांग पर महिला मंडल को सामान खरीदने के लिए विधायक निधि से धन तथा महिला मंडल भवन के निर्माण में सहयोग देने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर उन्होंने पंचायत के लोगों से पेयजल को लेकर विशेष एहतियात बरतने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक सुखविंदर सिंह सुखू ने कहा कि उन्होंने विधानसभा में हिमाचल के अस्पतालों के बारे में प्रश्न किया था तथा सरकार ने माना कि हमीरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने बजट का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री ने लगभग एक साल पहले हमीरपुर स्कूल मैदान से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शिलान्यास किया था, लेकिन आज तक इसमें शिलान्यास पत्र के अतिरिक्त कुछ नहीं लगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों द्वारा सरकार की कार्य प्रणाली पर उंगलियां उठना स्वाभाविक है। सुखू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जो पत्र बम की राजनीति हो रही है उसमें ये मायने नहीं रखता कि पत्र बम किसने जारी किया, लेकिन पत्र बम में जो आरोप लगाए गए हैं उनकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नादौन विधानसभा क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ किया जा रहा है। देखिए, इस बार के विधानसभा सत्र में मैंने एक सवाल पूछा था कि हिमाचल प्रदेश में जो मेडिकल कॉलेज है वो मेडिकल कॉलेज कब स्वीकृत हुआ है, तो उसका जवाब हिमाचल प्रदेश में आया कि श्री गुलाम नबी आजाद जी ने इस मेडिकल कॉलेज को सैंक्शन कर किया है। अब स्वीकृत हो चुका है और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी इसका शिलान्यास भी कर चुके हैं। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक साल शिलान्यास किए हुए हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका जो पत्थर है वो पत्थर ही लगा है, काम कोई शुरू नहीं हुआ। तो ये जो सरकार है ये पत्थर लगाने की सरकार बनती जा रही है और जो कार्य प्रणाली है उस पर लोग उंगलियां उठाने लगे हैं। निश्चित तौर पर जो एक साल मुख्यमंत्री जी का द्वारा शिलान्यास कर दिया जाए और स्कूल में एक पत्थर, जो कॉलेज है उसका एक पत्थर तक भी ना लगे, तो लोग उंगलियाँ तो उठाएंगे ही। जहाँ तक पत्थर बम की बात है, कौन सा बम है, लेकिन पत्थर बम में क्या लिखा है, उन तथ्यों की जानकारी जनता के सामने आनी चाहिए। ये निश्चित तौर पर बड़े गंभीर बात है कि एक पांच बार के विधायक जो हैं उन्होंने एक पत्थर बम जारी किया, उस पत्थर बम में गंभीर आरोप लगाए। जो आरोप लगाए हैं पत्थर बम की किसने वायरल किया इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उस पर जो लगे आरोप है वो सच्चाई जनता के सामने आनी चाहिए और इस बारे में सब लोगों को ये पता लगना चाहिए कि जो पूर्व मंत्री ने लिखा है उसमें क्या गहराई है। नादौन विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने देंगे। मिनी सेक्रेटेरिएट का कार्य चल रहा है, सिंचाई योजना का कार्य चल रहा है। नादौन नगर परिषद में हमने 24 घंटे पानी की व्यवस्था कर दी गई है और प्रत्येक खेत में बस ब्यास नदी का पानी पहुँचे, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले समय में नादौन एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में आगे आएगा। और अब वो समय दूर नहीं कि हर खेत में पानी पहुंचे, हर घर में नल पहुंचे, इस दृष्टि से भी कार्य योजनाओं का स्वरूप बनाया जा रहा है।